हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और दोस्तों आपके चैनल पर 1000 से नीचे सब्सक्राइबर है, 1000 से कम है, दोस्तों आपको सब्सक्राइबर हाइड कर लेना चाहिए या ना हाइड। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा यह सब कुछ बताऊँगा, और दोस्तों सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, अगर आपका सब्सक्राइबर कम है, 1000 से नीचे है, या दोस्तों हम नया चैनल खोले हैं, मतलब जस्ट ही अपना चैनल खोले हैं और वीडियो भी डालना अपलोड कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, तो दोस्तों काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर कम है, कि कोई भी वीडियो देखेगा तो एंड तक देखेगा या नहीं, या कोई भी रिलेशनशिप या कई भी दोस्त फ्रेंड भी देखेंगे तो कहेंगे आपके सब्सक्राइबर कम है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि ऐसे कहेंगे तो दोस्तों आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने से आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान आपको कब होगा जब मैं अभी आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ हाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइबर हाइड कर लेते हैं, दोस्तों कोई भी आपकी वीडियो को क्लिक करेगा तो दोस्तों देखेगा कि आपके सब्सक्राइबर नहीं देख पाएगा, वो आपकी वीडियो फुल देखेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइबर देख के ही वीडियो को देखते हैं, अगर देखेंगे इनके सब्सक्राइबर कम है तो दोस्तों वीडियो को नहीं देखते हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर हाइड रहेंगे तो आपको वीडियो पर फुल वॉच करेंगे, जिससे आपकी वीडियो ग्रोथ होगी, आपका चैनल काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको सब्सक्राइब हाइड कैसे करना है ये आपको सबसे पहले आपको क्रोम में जाकर आप ये सब कुछ करना है। सो गाइस, देखते हैं मेरे यहाँ पर चैनल पे सब्सक्राइबर आना ही है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कितने सब्सक्राइबर है, 5550 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों ये आपको ये दिख रहे हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब मेरे को जो सब्सक्राइबर इसको हाइड करना है। दोस्तों हाइड करने के लिए अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम में, क्रोम ब्राउजर ये समझ सकते हैं, क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब में ओपन कर लेना। तो यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट में क्लिक करने के बाद क्या होता है कि लैपटॉप पास पूरा आराम सेटअप इसमें आ जाता है, जो लैपटॉप में काम करेगा वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो इससे आपको लैपटॉप में कर ले जाए कन्वर्ट डेस्कटॉप साइट में। तो डेस्कटॉप साइट में तो हो गया, डेस्कटॉप साइट में होने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं चैनल का ऑप्शन दिखेगा अपना यहाँ पर। तो उस चैनल पे ऑप्शन पर जो प्रोफाइल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा ये और चैनल थे, ये और चैनल पे आपको आ जाना है। तो ये और चैनल पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब स्टूडियो भी नीचे दिखेगा, यूट्यूब स्टूडियो में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले योर चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइजेस पे आपको क्लिक कर देना है, कस्टमाइजेशन चैनल पे। उस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको सारा कुछ स्टूडियो में हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं studio.youtube.com यहाँ पर लिख रहा है, तो मतलब कि सारा कुछ स्टूडियो में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप खुल गया यूट्यूब स्टूडियो का। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर नीचे इस साइड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं पहला जनरल का ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा चैनल का, चैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखते हैं बैसिंग इन्फॉर्मेशन के बाद एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आया, एडवांस सेटिंग पर नीचे देखते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है, दोस्तों पहले से टिक लगा होता है। अरे दोस्तों, टिक लगा हुआ है सब्सक्राइबर जो अन हाइड है, अगर टिक आपको नहीं लगाना है, टिक नहीं लगेगा तो सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे, और टिक लगा रहेगा तो दोस्तों आपके सब्सक्राइबर दिखेंगे, टिक नहीं लगा तो सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे। दोस्तों यही आपको तरीका है, दोस्तों आपको कभी भी टिक नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको सब्सक्राइबर हाइड करना है दोस्तों, टिक नहीं लगाना चाहिए, अगर टिक लगा देंगे तो सब्सक्राइबर अनहाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर हाइड हो गए, क्योंकि मैं ट्रिक नहीं लगाया हूँ। यहाँ पर देखते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग तो जान ही गए होंगे सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं। और दोस्तों आप जान लीजिए सब्सक्राइबर अनहाइड से क्या फ़ायदा होगा, नुकसान। और दोस्तों 1000 से कम आपके सब्सक्राइबर, दोस्तों सब सब्सक्राइबर जो है हाइड कर कर रखे हैं, कभी भी अनहाइड न करें जब तक 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं हो जाते। जैसे 1000 सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे उसके बाद आप चाहेंगे तो अनहाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में 1K में हो जाता है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि 1K मेरे सब्सक्राइबर है। आप किसी के भी दोस्त फ्रेंड को देखेंगे काफ़ी अच्छा लगता है। तब भी आपको अगर हाइड कर ही रखना है, कब अनहाइड करना है, 10K या 10K से नीचे अगर सब्सक्राइबर है तो आपको हाइड कर रखना है। 10K से ऊपर हो जाएगा, 12K या 8-9K रहेगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनहाइड कर लेंगे। अनहाइड करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको स्पॉन्सर मिलेगी। स्पॉन्सर कैसे मिलेगी, अगर दोस्तों कंपनी वाले जाएंगे उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, अगर सब्सक्राइबर जानेंगे उस तरह आपको सब्सक्राइबर कोई जान ही नहीं पाएंगे इनके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपको कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपके 10K से उस पर सब्सक्राइबर हो गए तो दोस्तों आप सब्सक्राइबर को अनहाइड कर सकते हैं। उसके पहले आप सब्सक्राइबर का हाइड कर रखिए, हाइड कर रखेंगे तब दोस्तों आपको काफ़ी फायदा होगा, अगर अनहाइड कर देंगे दोस्तों आपको नुकसान ही होगा। तो दोस्तों यही आप लोग समझे होंगे, अगर 1000 से कम सब्सक्राइबर है तो हाइड कर रखिए, और 1000 से ऊपर हो गए हैं, 10K या 5K से ऊपर है तो अनहाइड कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो जय हिंद, वंदे मातरम।